योगी में ऐसा चक्कर है, बहुत टफ भी है बहुत आसान भी है, लेकिन हम आपको ऐसा बताएंगे कि आपको बहुत आप बहुत ईजी अंदर सॉल्व कर सकते हैं। इसमें चार ही केस आता है, एक सर का केस आता है, एक हल का केस आता है, एक नो आता है और एक प्लस का नोट आता है। अगर ये चारों कंडीशन आपको याद रहे तो आपको भी क्वेश्चन तेजी में सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले एक पास पर उस हल के केस को अगर हम देखें, हल को केस को देखें, हल ए अपना स्टेटमेंट है, हल ए आर बी, हल ए आर बी, ये ए है और ए आर बी का मतलब पूरा का पूरा जो ए है वो क्या बी है, और ए आर बी। इस केस में क्या होता है, अंदर से बाहर हमेशा दो बार बोलता है, तो बाहर से अंदर एक ही बार बोलता है, ठीक है, यानी अंदर से बाहर दो बार बोलता है, एक हल और दूसरा बोलता है, लेकिन बाहर से अंदर सिर्फ एक ही बार बोलता है। क्या बोलता है, सिर्फ सम बोलता है, सम। अगर इसको मैक्सिमम कंक्लूजन अगर हम देखते हैं, मैक्सिमम कंक्लूजन अगर हम देखते हैं, क्या ए से अगर हम बी जाते हैं, दैट मींस क्या हल और सम दो बार बोलता है, यानी आर ए आर, आर ए आर बी, आर ए आर बी, दूसरा ये दो बार बोलता है, आर और सम, आर तो मेरा हो गया बचा क्या सम, यानी सम ए आर, सम ए आर बी। अब बाहर से अंदर अगर हम जाते हैं, यानी क्या एक बार बोलेगा, एक ही बार बोलेगा ना, सम बोलेगा, यानी क्या सम भी आ रहे, सम भी आ। ये एक एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें, स्टेटमेंट है सम मैंगो आर एप्पल, इसका मैक्सिमम कंट्रोल कितना हुआ, तीन हुआ। इस केस में हमेशा मैक्सिमम कंट्रोल तीन होता है। स्टेटमेंट एक जमा के तौर पर देखते हैं, सम मैंगो है, सम मैंगो है एप्पल, सम एक और मैंगो या एप्पल, ठीक है, यानी कि मैंगो है, ये क्या मैंगो है, ये एप्पल, ठीक है, और मैंगो या एप्पल मतलब पूरा का पूरा जो मैंगो है वो क्या एप्पल है, और मैंगो है एप्पल। अगर इसका मैक्सिमम कंक्लूजन अगर हम देखते हैं, इसमें क्या अंदर से बाहर कितना बार बोलता है, दो, और एक सम बोलता है, और बाहर से अंदर से क्या बोलता है, सम बोलता है। तो पहला कंडीशन मैंगो से अगर हम एम से डिनोट करें और एप्पल को ए से अगर हम डिनोट करें, डेट से क्या और मैंगो या एप्पल, और मैंगो जा एप्पल, मैंगो जा एप्पल, दूसरा क्या हो जाता है, ये दो बार बोलता है, अल और सम, अल तो मेरा हो गया बचा क्या सम, यानी कि सम मैंगो जा एप्पल, मैंगो जा एप्पल। अंदर से बाहर केस हो गया, बाहर से अंदर क्यों जा रहा, तो क्या एक ही बात बोलता है, क्या बोलता है, सम बोलता है, यानी कि सम एप्पल सा मैंगो, सम एप्पल सा मैंगो। इस तरह से ये मैक्सिमम कंक्लूजन कितना है, क्या दिया, तीन दिया है ना। अगर इसका थोड़ा सा अगर हम एड करते हैं इस क्वेश्चन में, और मैंगो जरा एप्पल है, एक और स्टेटमेंट अगर हम एड कर देते हैं, यानी कि अल एप्पल सा ट्री, तो इसका फ्रेंड डायग्राम कैसे ड्रॉ होगा, अल मैंगो का अगर हम एम से डिनोट करें और एप्पल को ए से अगर हम डिनोट करें, ट्री ट्री से डिनोट करें, यानी कि अल मैंगो जरा एप्पल, फ्रेंड डायग्राम क्या होगा, अल मैंगो क्या होगा, एप्पल हो जाएगा।
और एक और सर याद ही नहीं है एक और सर सेंटेंस जहां तार से फाड़ देगा एकदम बना के ए हेलो और एक और सर ट्री इसका मैक्सिमम कैलकुलेटर कैसे लिखते हैं अंदर से बाहर ऑल और सम दो ही चीज होता है और बाहर से अंदर सिर्फ क्या होगा सम होगा तो क्या होता है मैक्सिमम कैलकुलेटर ऑल मैंगो जा रहे पर ऑल ए आर ए डेट इसका ऑल मैंगो जा रहे पर दूसरा क्या हो जाएगा सम ए आर ए सम ए आर ए अब तीसरा एम से ए हम गए एम और टी के बीच में भी रिलेशन क्योंकि दिया हुआ है एम का ए से रिलेशन है लेकिन एम का टी से भी रिलेशन है क्योंकि एम जो है टी के अंदर भी है ना इस केस में अगर हम यहाँ से यहाँ अगर हम देखें तो ये दो बात बोलेगा अल और सम बोलेगा डेट मीन्स क्या अल एम और टी अल एम टी तो क्या बोलेगा सम एम और टी सम एम और समय मंटी होगा ये तो अंदर से बाहर की ओर मिलकर चार कैलकुलेटर हुआ अब क्या बाहर से हम अंदर देखते हैं ये एक और चीज यहाँ पे बचा है एम से ए हुआ एम से टी हुआ लेकिन ए से टी भी होगा क्योंकि अल ए या टी हो सकता है तो पांचवा कैलकुलेटर मेरा क्या होगा अल ए या टी अल ए या टी छठा क्या हो जाएगा सम ए या टी सम ए या टी अब अगर हम देखते बाहर से अंदर क्यों जाएंगे यानी क्या हो जाएगा सम ए आर एम सम ए आर एम जो कि हम पहले बता चुके हैं कि बाहर से अंदर क्यों जाते हैं तो सिर्फ एक ही बात होती है उसी को सम होता है अब ये केस में क्या हो सम ए आर एम अगला क्या हो जाएगा सम टी आर एम टी आर एम ए का एम से हो गया टी का एम से हो गया लेकिन टी और ए के बीच में भी होगा यानी कि सम टी आर एम सम टी आर ए मतलब ए पर इस तरह से अगर हम देखें तो इसका मैक्सिमम कंक्लूजन कितना है इस केस में मैक्सिमम नॉन कंक्लूजन होता है हेलो हो गया भाई का सर।